बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया दीनी हरीफ के तहत आज हम अदीज़ पेश करेंगे कि जाम तिरमिजी की हदीस है और मालिक रजील से मरवी है कि रसूल वसलम शाह फरमाता है इन सदका लतुफ़ रब के बेशक सदका जो है वह अल्लाह तबारक व ताल के गज़ब को ठंडा कर देता है ठंडा कर देता है वह तदफ्फ वसु और बुरी मौत से बचाता है तो वह कि सदक़ा जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है उस सदक़े के दो फ़ायदे हैं एक तो फ़ायदा ये है कि अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है और दूसरा फरमाया कि बुरी मौत से जो है वो बचाता है बुरी मौत से इंसान महफूज रहता है मुहदसिन फरमाते हैं कि इस हदीस में नबी करीम सल्ला व् नेदक़े का एक बेहतरीन जो है मसल ये बता दिया कि सदका जब दिया जाता है तो उसका बेहतरीन इनाम यह है कि इंसान का ख़ात्मा ईमान पर होता है क्योंकि बड़ी बुरी मौत से बचने का मतलब यह है कि अब इसका ख़ात्मा ईमान पर होगा इन शे ईमान से महरूम नहीं किया जाएगा तो देखें सदक़ा नाजरें इतनी बड़ी दौलत है और सदक़ा किसे कहते हैं ज़ाहिर है कि एक तो जकवात है कि जो वाजिब है वो साल के बाद अपने माल में से अढ़ाई परसेंट जो है वो आपको जो है निकालनी पड़ती है वो तो वाजिब उससे जायद आप जो अल्लाह के रास्ते में देते हैं इन्फाक फीस सभी करते हैं उसको सदका कहा जाता है उर्दू में उसको खैरात भी कहते हैं तो ये सदक़ा खैरात जो है ये आप भले एक डॉलर का करें एक रुपए का करें ए, एक जो है वो मुट्ठी जो है वो आटे की दें एक मुट्ठी जो है जौ की दें तो ये सदक़ा तो ये सदक़े जो आप अल्लाह तबारक व ताल के रास्ते में देते हैं तो इस सदक़े का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसे के के कि हदीस के अंदर ज़मान देरी के तदफ़ो मित बुरी मौत से बचाता है और बुरी मौत वही है कि जो ईमान के बगैर है ईमान के बगैर है या मरूफ माना के अंदर जो है वह ऐसी मौत है कि इंसान जो है वसीयत नहीं कर सका इंसान बाद वालों को कोई हिदायत की बात नहीं कर सका अचानक ऐसी मौत आ गई कि इंसान जो है अपने अरमान अंदर ही ले कर चला गया तो लेकिन सदक़े की जो वो जो बरकत ही होती है कि इंसान को जो वसीयत करने का मौका मिलता है अपनी हिदायत देने का मौक़ा मिलता है तलकिन करने का मौका मिलता है और सबसे बड़ी चीज़ यह कि ईमान क्या मत तैयबा नसीब हो जाता है और ईमान के साथ हुसन खात्मा नसीब होता है सबसे बड़ा फ़ायदा और उससे बढ़कर फ़ायदा ये कि अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है ताकि दुनिया में रहते हुए इंसान से कोताहियाँ होती हैं गलतियाँ होती हैं गुना होते हैं मासीत होती हैं हो सकता है अल्लाह तबारक वाले हक में क्योंकि हक में को ऐसी मासीत हो गई कि वह अल्लाह गज़बनाक हो गया या अल्लाह के मखलूक के हक में को ऐसा यह गुना कर बैठा कि अल्लाह गज़बनाक हो गए तो सदका कर दे दिया अल्लाह के रास्ते में तो अल्लाह तबारक वताल उस सदक़े की वजह से अपना गजब जो है गुस्सा जो है ठंडा कर लेते हैं और उस इंसान को जो है वो अपने गज़ब से के वबाल से महफूज रखते हैं इसे लिखा है कि हज़रत ईसा सातम के ज़माने में एक धोबी था उस धोबी की आदत ये थी कि लोग जब उसके बाद कपड़े दिया करते थे धुलाने के लिए तो वो जो क्या करता था वो कपड़े चोरी कर लेता था चार जोड़े दिए एक जोड़ा गायब हो गया कह जी आपने तो दिए ही तीन थे अब वो बेचारा क्या दलील प्रूफ बेच करेगी यार मैं चार दिए कह नहीं थे एक, एक चोरी कर लिया या ये कि एक जो भेज दिया और कह दिए कि तीन है तो मतलब मुख्तः अंदाज से वो कपड़े चोरी करता था अब अहल महल्ला अब अहले शहर बड़े परेशान थे कि ये बड़ा मक्कार किस्म का आदमी है और चर्ब जुबान है कपड़े भी चोरी कर लेता है और फिर आगे से इतनी बहस बासी करता कि आदमी शरीफ आदमी ज़्यादा उसे मुंह नहीं लगाता चलो दफ़ा करो यह हालत थी लेकिन तंग बहुत थे और ये बात जब फैलती फैलती है ईसा सलातम तक भी पहुँच गई और लोगों ने कहा कि हजरत ये धोबी जो है बड़ा मकार है और ये कपड़े चोरी करता है कपड़े चोरी करता है और फिर मानता नहीं है आप इसकी बद करें इसकी ये हलाक हो यहाँ से है कहते खस कम जहाँ पाक तो ईसा सलातम को भी जब इतलाई पाए सबूत तक थी जी आ गई तो आपने बद की व दुआ की अल्लाह इसको जो उठा रहे इसको हलाक कर इस जो है माहौल माशरे को इसे पाक कर दे तो अल्लाह तबारक व ताली ने आपको ये बशारत दे दी कि शाम से पहले पहले इस यह जो है वह हलाक हो जाएगा ये बात हुई अब सारा शहर इंतज़ार करने लगा कि शाम से पहले पहले अब यह हलाक होगा जान छूटेगी हुआ है कि शाम हो गई और शाम को कपड़े ले के जनाब अपने गदा गाड़ी पर रखे हुए कपड़े वापस ला रहा आराम से तो बड़े हैरान हुए सारा शहर हैरान हज़ी यलातम तो के पास गया कि हज़रत वो तो ज़िंदा सलामत चला आ रहा है तो आपने फरमाया था कि वह हलाक हो जाएगा और बशारत मिल गई वो तो ज़िंदा आ रहा है अच्छा बड़े हैरान हुए अल्लाह तबारक रज़ू किया तो अल्लाह तबारक वतारस का ए रफ़ वो तो ज़िंदा सलामत आ रहा है तो आपने तो मुझे ये ज़मानत दे दी थी कि वह हलाक हो जाएगा ये क्या बात हुई तो अल्लाह तबारक तार ने फरमाया कि हाँ मैंने यही फ़ैसला कर लिया था और मुझे भी पता था कि लोगों को ईज़ा तकलीफ़ देता और मुझे बड़ा गज़ब और गुस्सा था उस पर कि इसको जो है वो हला कर दूँ और आपने भी बद्दुआ कर दी थी अरे पैगम्बर की बद्दुआ जो कबूल होती है लेकिन हुआ ये कि ये जो कपड़े धोने धुलने के दौरान जो इसे सफ़र किया इस दौरान में इसने जो है ये सदक़ा कर दिया सदका कर दिया उस सदक़े की वजह से जो जो वबाल मैंने इस पर मुसलत किया था वो जाके तू देख कहा कि इसके कपड़ों की पोटली खोल अरे ईश् असरात गए लोग भी गए तो वो उसकी जो वो पोटली कपड़ों की खोली तो कपड़ों के अंदर एक अजदहा खौफनाक अजदहा और उसके मुंह के ऊपर जो है वो एक कड़ा लगा हुआ है तांबे का पीतल का कड़ा जो उसके मुंह पे लगा हुआ है और मुंह उसका बंद है और अजदा अंदर बैठा है अल्लाह तबारक व फिर फरमाया कि ईसा देख मैंने जो ये मुसलत कर दिया था इसके हलाकत के लिए कि कपड़े जैसे खोले गए इसको डस लेगा लेकिन इसने क्या किया कि रास्ते में आते हुए एक कुत्ता भूखा जो है कुत्ता रास्ते में पड़ा था इसे अपनी रोटी में से आधी रोटी सदका कर दी उस कुत्ते को और कुत्ते ने खा ली उसका जिगर ठंडा हो गया उसको वो मरने से बच गया तो चूंकि एक रोटी इसने वो कुत्ते को सदका डाल दी थी तो उस सदके की वजह से मेरा गजब ठंडा हुआ और यह आफत जो मुसलत की हुई थी उसके मुंह के ऊपर इसके सदके ने उसका मुंह बांध दिया और यह उसको डस नहीं सका तो देखा नाजरीन सदका इतनी बड़ी ताकत है कि अल्लाह तबारक व तला का गजब ठंडा हुआ और वह अजदा जो हलाक करने आया था उसके मुंह के ऊपर सदके ने जो है कि एक तांबे की शक्ल में जो है सदके ने उसका मुंह बंद कर लिया और डस नहीं सका तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तैयार के रास्ते में जब सदका देता रहता है और अल्लाह तबारक वत बड़े बेनियाज हैं थोड़ा हो ज़्यादा हो, दे दो एक डालर एक डालर दे दो, दो डालर दे दो अब ये ना सोचो कि यार छः पाँच सौ डालर होंगे तब देंगे पाँच सौ जब होंगे तो देते रहना अभी एक डालर ही दे दो कोई अल्लाह की घर मस्जिद बन रही है कोई अल्लाह के घर बन रहा है कोई नेक मुतालबा है कोई नेकी का काम हो रहा है तो जितनी तोफ़ीक दे डालो क्योंकि अल्लाह तबारक मताल इन आदाद और गिनती का पाबंद नहीं है वो तो दिल के ख़लूस को देखता है खलूस दिल के साथ चंद जो है वो खजूरें भी अगर दे दी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो ऐसी मकबूल पाती हैं कि खुद नबी इरशाद फरमाते हैं कि ये खजूरें जो दी गई हैं तो ये कल रोज़ क़्यामत भी औज पहाड़ के बराबर होकर मिलेंगी इसको इतना बड़ा नफ़ा इसे सदक़े का एहतमाम करें और इसे तौर पर ख़वातन को मस्तरात को जो है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी आपने जो है में औरतों को ज़्यादा देखा है तो बचने का क्या तरीक़ा है तो फरमाया औरतों तुम सदक़ा दिए ज़्यादा दिया करो क्योंकि सदका देने में औरत बकील होती है मर्द फिर भी खुले हाथ का होता है तो औरतें आम तो पर बुखल करती हैं आपने कि सदके दिया करो अब सदक़े जब दोगी तो अल्लाह का गजब ठंडा होगा गज़ब ठंडा होगा तो दुनिया में भी वबाल और पकड़ से बचोगे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक वाली बख्शी का फैसला कर देंगे जिन कोताइयों की वजह से औरतें जानों में ज्यादा नजर आ रही थी फरमा अगर सदका देती रहोगी तो वो का इजाला होता रहेगा सदक़े के जरिए से अब शौर की ना शुक्रिया है या अल्लांतान है इस तरह की चीज़ें हैं तो सदका साथ निकालते रहोगे तभी तो एक हदीस में आता है कि दिन भर के अंदर इंसान जब दुकानदारी करके फारिग हो रात में तो कुछ ना कुछ निकाल के सदका कर दिया करे तो दिन भर के अंदर इंसान ने सौदा बेचने खरीदने में जो जबानी एतवार से जो लफ्जिश की थोड़ा सा थो वो झूठ बोला हल्का बुल्का झूठ बोल के चक्करबाजी करके उस सौदा बेचा अरे ऐसी चीज़ें बसोकत इंसान करता है ताकि सौदा बिक जाए तो नबी ने फरमाया कि शाम में जो है सदका थोड़ा सा निकाल दिया करो अपनी आमदनी में से तो जो दिन भर में तुमने छोटी मोटी जो वो खरखशे किए हैं अल्लाह तबारक वाले उसका कफ़ारा कर देते हैं तो कितना आसान नुस्खा है और जहरा कि आज साफ़ सुथरी दुकानदारी कौन करता है कहीं ना कहीं हम डंडी मारते हैं बल्कि डंडे मारते हैं तो लेकिन सदका नबी ने फरमाया दे दिया करो थोड़ा बहुत शाम को पाँच दस डॉलर सदक़े के निकाल दिए तो नतीजा क्या होगा जो कोताही की थी जो थोड़ी सी डंडी या डंडे मारे थे अल्लाह व तआला माफ़ कर देते तो ये सदक़ा है तो सदक़े की बड़ी फजीलत है तो आज ही से इस पर जे ठान लो तो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सदका निकालते रहो अब बस वक्त घरों में लोग ऐसा करते एक डब्बा रख लिया रोज़ एक डॉलर निकाल दिया या एक पैनी रोज़ निकाल दी है तो ये रोज़ निकालते रहो पूरा जो महीना पूरा इकट्ठा हुआ उसके बाद किसीदारे में भेज दिया मदरसे में गरीब यतीम को दे दिया तो वो सदका तो इस तरीके से जो है वो इंसान जो दुनिया में अल्लाह के कहर से और आख़रत में अल्लाह तबारक व ताली की जो है वो पकड़ से बच सकता है और दुनिया आख़त में बरक़ात नसीब हो सकती हैं अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व वाली अमल करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आमीन या रबल आलमीन